हेलो फ्रेंड्स, हर साल की तरह आप लोगों को इस साल भी वार्षिक पेपर के लिए प्रश्नों को बताया जा रहा है। तो चलो, कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा उसको आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो संस्कृत सब्जेक्ट जो है थोड़ा रेयर सब्जेक्ट है, क्योंकि अपठित तृतीयांश जो है कहाँ से आते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगभग लगभग जो आ सकते हैं उसको मैं दे सकता हूँ, ठीक है? अगर जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ वो नहीं आता है तो कहीं भी ढूंढ लो, वो प्रश्न आएगा ही नहीं, ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। तो आपको मैं वो सारे प्रश्न दे देता हूँ जिनको आप पढ़ के अच्छे से नंबर ला सकते हो, ठीक है? तो कुछ कुछ जो रेयर टॉपिक है वो मैं नहीं जानता हूँ, बाकी आसानी से पास होने वाला, अच्छा नंबर लाने वाला मैं बता सकता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि सुभाषित श्लोक से भी आता है ना, तो सुभाषित श्लोक जो है 5 नंबर का होता है। तो 5 नंबर अगर आपको पाना है तो ये इससे आपको कम से कम 3 याद कर लेना, ठीक है? 3 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 आएगा प्रश्न में, है ना? बनाने के लिए 2 आएगा, और एक जो है अगर इनमें से संबंधित हिंदी अनुवाद किसी में आ गया, है ना, तो 2 तो आप बना लोगे, तो एक एक्स्ट्रा याद करना, तो आसानी से क्या होगा आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये 5 नंबर अगर पाना चाहते हो तो 3 याद करना, जिनमें से 2 को आपको लिखना है, और एक बाई चांस कहीं पे आ गया प्रश्न, क्योंकि प्रश्न सेट में ना आया हो कहता है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान देना है, ठीक? ये हो गया। यहां से आपको याद करना है सूक्ति, ये 4 नंबर करेगा। सूक्ति जो है, 4 सूक्ति आपको हिंदी में अनुवाद आएगा। देखो, 4 सूक्ति का हिंदी हिंदी में अनुवाद आएगा और 4 सूक्ति आपको लिखने के लिए कहेगा। तो 4 सूक्ति कह रहा है तो मतलब आपको कम से कम 8 सूक्ति याद करना है, इसमें से जो सरल है ना उसको याद कर लेना, ठीक है? 8 सूक्ति याद करना है, और बहुत छोटा छोटा है। देखो, सर्वे भवन्ति सुखिनः, अलस क्या है, अल अल सस्य कुतो विधा, ना बहुत सरल सा है, सैले सैलेना माणिक्यम चंदन वने वने, ठीक है? जो सरल लग रहा है उनको आपको याद करना है, कम से कम 8 8 याद करोगे तो 4 नंबर आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 4 हिंदी अनुवाद आएगा। तो जब अनुवाद आएगा तो उसी को आप नहीं लिख सकते जो इस प्रश्न पत्र में आया रहेगा, ठीक है? नए को लिखना होता है, तो 4 आया तो 4 तो बचेगा ना। इस तरीके से आपका 9 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया। चलो मैं आपको लेटर बता देता हूँ, इससे भी आपको जो आसान टॉपिक है अभी बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा कठिन टॉपिक बताऊंगा मैं। देखो, लेटर में हर बार ना लेटर जो आ रहा है अभी तक रिकॉर्ड में आ रहा है, वो आ रहा है अवकाश के ही आ रहा है, ठीक है? अवकाश में बस 3 दिन 3 दिवस 5 दिवस ये आते रहता है, ठीक है? तो अभी तक रिकॉर्ड में यही आया है कि 3 दिन क्या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखो या 5 दिन के लिए, ठीक है? दिन बस को आपको बदलना है, तो आप देख सकते हो ये वाला लेटर। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक दो और बता देता हूँ ना, जैसे कि ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र का भी आ सकता है, लेकिन बाई चांस अभी तक रिकॉर्ड में जो है वो अवकाश का ही आ रहा है, ठीक है? अवकाश का, जैसे कि ये अस्वस्थ है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो ग्राम 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 से संबंधित वाला है, लेकिन ये अवकाश वही है, ठीक है? तो आसान प्रश्न है, अवकाश से ही आ रहा है अभी तक रिकॉर्ड में। तो ये एक प्रश्न मैं आपको और एक्स्ट्रा दे सकता हूँ स्थानांतरण का, बाई चांस अगर आ जाए तो आ जाए। और एक जो है ये शुल्क मुक्ति वाला, ठीक है? ये तीनों में से अभी तक सबसे ज्यादा, मतलब 2000 कह सकते हो 2021 से, है ना, तो लगातार ना अवकाश का ही आ रहा है। तो ज्यादा फोकस करना अवकाश का, लेकिन ये दोनों प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? शुल्क मुक्ति वाला भी आपको देख ही लेना है। चलो, इसके बाद आपको कौन सा प्रश्न और निबंध पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, हर साल आने वाले निबंधों में ये है, सुभाष चंद्र वाला है, ये हर साल आता है, ठीक है? ये हर साल आने वाला है, आप इसको देख सकते हो। महाकवि कालिदास का हर साल आता है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये 8 नंबर करेगा, आपका 8 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हो तो। और ये मम छत्तीसगढ़ प्रदेश, ये भी आते रहता है। तो मैं ज्यादातर फोकस करता हूँ 2 में, एक ये और ये एक निबंध आपका ये वाला, ठीक है? ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ये दोनों आते ही रहता है। और कोई है कि हाँ, सदाचार का भी है, सदाचार भी पढ़ सकते हो, सदाचार है हर साल आने वाले में, ये भी है सदाचार। सदाचार जो है ये भी 23 में भी आया था ना, 22 में भी आया है, तो ये भी हर साल आने वाले में से हो गया है। तो देख सकते हो इनको, बहुत सरल सरल है, 8 नंबर करेगा। 12 से 15 टॉपिक बस आपको लिखना है, 15 टॉपिक कम से कम, 15 टॉपिक लिखोगे उसके बाद ये आसानी से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो 4 मैंने बता दिया ना, ठीक है? मम प्रदेश हो गया, ठीक? तो इनमें से देख लेना, हर साल आने वाला है। तो ज्यादातर मैं फोकस करता हूँ सुभाष चंद्र और महाकवि कालिदास में। चलो, अब इसके बाद आपको और क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। देखो, अगर अपठित से आता है तो आपको अपठित गद्यांश में कौन कौन सा पढ़ना है। देखो, अपठित गद्यांश है ना, तो ये अपठित गद्यांश जो है अस्माकम जीवने से संबंधित है। और ये देखो, ये एक पदेन उत्तर वाला रहेगा ना, जैसे कि ये चार चार प्रश्न दिया हुआ है और चारों को उत्तर या इस तरीके देना है। इसके बाद पूर्ण वाक्यन भी उत्तर आएगा, आपको पता है ना पूर्ण वाक्यन, तो ये भी रहेगा। तो इसको आपको देखना है, जैसे कि
यहाँ पे पूर्ण वाक्य है अर्थात ये आसानी से आपको परीक्षा बोध परीक्षा सार में मिल जाएगा। ठीक है, अपठित वाले देखना, देखो कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, नाम अपठित पत्र लेखन एवं निबंध लेखन वाले टॉपिक में मिलेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे पूरा उत्तर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये चार प्रश्न है, इसके बाद प्रश्नों का उत्तर हो गया है ना, तो जैसे कि ये प्रश्न है इसके उत्तर हो गए, तीसरा देख लो ये सभी। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपको पढ़ना है वो ये वाला है, देख लो ये वाला प्रश्न आपको पढ़ना है अगला। यहाँ पे प्रश्न है, उत्तर है, और दूसरा देखो निर्देशानुसार वाला दिया है ना, तो ये वाला प्रश्न है देख सकते हो, तीसरा भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से, और कुछ जो उत्तर है वो यहाँ पे, जैसे सारांश उरांश भी आता है तो अथवा में भी रहेगा सारांश वाला है ना, तो इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न जो है ये संसार कोष्पी वाला है, बाल वाला। ठीक है, ये भी देख लो, दो प्रश्न यहाँ पे है, और ये रहा नेक्स्ट टॉपिक, ये दोनों। ठीक है, इसका भी उत्तर हो गया, और ये देखो गद्यांश वाला आता है ना, तो इसी में अथवा में आएगा, जैसे कि इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न ये वाला चौथा देख सकते हो, ये हो गया, इसका आधा हिस्सा यहाँ पे है। ठीक है, ये आसानी से आपको परीक्षा बोध परीक्षा सार में मिल जाएगा। इन प्रश्नों का उत्तर हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, ये दूसरा, तीसरा, ठीक है, दूसरा तीसरा ये भी हो गया, और ये रहा पांचवा। ठीक है, ये पांचवा और ये दूसरा टॉपिक, तो ये दोनों का उत्तर भी हो गया, जाना नाम वाला। ठीक, ये सारे प्रश्न आपको देखना है, ये 5 नंबर का रहेगा, आपको बहुत आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा इसमें। और ये एक ये रहा, यहाँ पे कुछ टॉपिक है देखो इस तरीके से। ठीक है, इतना ही तो है इसमें, और एक प्रश्न और होगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ये रहा प्रश्न। इस प्रश्नों का उत्तर भी देख लेते हैं, देखो अथवा करके दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रश्न है इनके उत्तर यहाँ पे है, फिर अथवा में सारांश उरांश है ना, तो सारांश उरांश आपको लिखने के लिए कहेगा, तो यहाँ पे सभी में तो सारांश वाला दिया है क्या, हाँ बस ये रहा। ठीक है, ये सारांश हो गया। ठीक, इसमें इतना है, और कुछ होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बस इतना ही प्रश्न है इसमें अभी, और साउंड बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं आपको ज्यादा प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, बस इतना ही प्रश्न अभी बता रहा हूँ, बाकी जो है वो मैं आपको जब साउंड बंद हो जाएगा ना, ये साउंड बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है, अगर ये बंद हो जाएगा तो मैं आपको जल्दी बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनको बता दूंगा।